नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। देखेंगे क्या है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, क्या है हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो मैं कुछ सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर एक फोर्स है जो ब्लड के द्वारा क्रिएट किया जाता है ब्लड वेसल के वॉल्स पे, और यही वो प्रेशर है जिसकी मदद से ब्लड पंप होता है थ्रू आउट द बॉडी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80। हाई ब्लड प्रेशर हम तब कहेंगे जब आपका ब्लड प्रेशर, जो हम आम भाषा में बोलते हैं ऊपर वाला नीचे वाला, विच इज साइंटिफिकली टर्म्ड एज सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला, डायस्टोलिक यानी नीचे वाला। हाई ब्लड प्रेशर तब कहेंगे जब आपका सिस्टोलिक 140 अबव और डायस्टोलिक 90 अबव रहेगा। लो ब्लड प्रेशर तब कहेंगे जब आपका सिस्टोलिक 120 बिलो और डायस्टोलिक 80 बिलो रहेगा। सबसे पहले देखते हैं लो ब्लड प्रेशर। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपका बीपी 90/70 भी है और आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। पर अगर आपको सिम्टम्स है, यानी कि आपको कमजोरी फील हो रहा है, चक्कर आ रहा है, आंखों के सामने धुंधला दिखाई दे रहा है या बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे हम उसके हिसाब से मेडिसिन देते हैं, आपको सॉल्ट लेने की एडवाइस देते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर आपको पीना होता है, एक बैलेंस्ड डाइट लेना होता है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो आपको लिमिट करना होता है। आपके थायराइड को चेक कराना चाहिए, ये बहुत बार थायराइड की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बहुत कम ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे आपको ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है। अगर जरूरत पड़े तो आपके डॉक्टर्स वो बिल्कुल आपको एडवाइस करते हैं। ये ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके ब्लड वेसल्स को नैरो करती है, जिसके वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों, ये हो गया लो ब्लड प्रेशर के बारे में शॉर्ट में, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखेंगे डिटेल में अबाउट हाई ब्लड प्रेशर, बिकॉज ये ज्यादा कंसर्न वाली बात है और मैक्सिमम लोग को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट कंडीशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऑल्टो मॉनिटर पे या फिर बीपी अपरेटस पे उनका ब्लड प्रेशर एकदम स्पाइक होता है, पर उनको कोई भी साइलेंट सिम्टम्स नहीं समझ में आता है। और साइलेंट सिम्टम्स तब समझ में आते हैं जबकि सिचुएशन काफी सीवियर या फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, और उनमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, विजुअल डिस्टर्बेंस होना, नाक में से खून निकलना, सर में दर्द होना या फिर चेस्ट में पेन होना। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करना है। यहाँ पे आपके दो तरीके हैं, सबसे पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड सेकंड है मेडिकेशंस। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें क्या करना है दोस्तों, बहुत लोग को बिल्कुल पता नहीं होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है। फिजिकल एक्टिविटी में दोस्तों आपका आएगा वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग। मिनिमम कम से कम आपको 30-35 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करना ही है दोस्तों। फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं काफी हजारों पेशेंट्स में। जो फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखते हैं उनका ब्लड प्रेशर काफी हद तक कम और कंट्रोल हो जाता है। ओबेसिटी इज अगेन वन मोर रिस्क फैक्टर फॉर हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप ओबीज हैं, आपका वजन ज्यादा है, तो इसे कंट्रोल करिए, ये भी बहुत हेल्प करेगा आपका बीपी कंट्रोल करने में। अब बात करते हैं डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, आपको नमक एकदम ही कम कर देना है। दोस्तों, कई पेशेंट में देखा गया है कि अगर उनका सॉल्ट इनटेक कम हो जाता है तो उनका बीपी भी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। हाई फाइबर कंटेंट वाले फूड्स लेना है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जितना हो सके आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करें। इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं बीपी कंट्रोल करने में। देन आप ओमेगा फैटी एसिड्स का सेवन कर सकते हैं, जो कि आपको फिश में आराम से अवेलेबल हो जाता है। ऑयल, घी, स्पाइसेस वाली चीजें बिल्कुल कम कर देनी है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अगर आप सिगरेट या फिर बहुत ज्यादा कॉफी चाय पीते हैं, तो इसे भी आपको लिमिट करना पड़ेगा।
दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है स्ट्रेस या फिर टेंशन फैक्टर। स्ट्रेस और टेंशन को आपको कंट्रोल करना है, आपको मेडिटेशन करके उसे रिलीफ लेना है। अगर आपके फैमिली में स्ट्रेस है या आप जॉब जहां करते हैं वहां पे प्रॉब्लम है या किसी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्व करना है और इसे कम करना है, ये भी बहुत कामगार है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। तो दोस्तों ये हो गया कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप कैसे आपके बीपी को कंट्रोल रख सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि कौन से मेडिकेशंस हाई ब्लड प्रेशर में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। दोस्तों ब्लड प्रेशर में चार ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज किए जाते हैं यूजुअली। सबसे पहला है बीटा ब्लॉकर, सेकेंड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थर्ड है ACE इनहिबिटर्स एंड फोर्थ है डायुरेटिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे कौन से पेशेंट को कौन से मेडिसिन देना है वो एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर पेशेंट एक दूसरे से काफी डिफरेंट होता है, उनका प्रेशर में चेंजेस आ सकते हैं, एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और एक ट्रेंड डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि उन्हें कौन सी मेडिसिन देना है। या तो वो कॉम्बिनेशन में डिसाइड करते हैं या फिर दो तीन डोज भी देते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन डॉक्टर्स। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का एम यही होता है कि उन्हें नॉर्मल ब्लड प्रेशर के रेंज में लाया जाए जो कि 120/80 है। कभी कभी डोज बढ़ाने भी पड़ते हैं, घटाने भी पड़ते हैं, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक रेगुलर चेकअप रखें अपने डॉक्टर के साथ, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा मेजर करते रहें, या फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक बीपी आता है मार्केट में एपरेटस, आप वो खरीद सकते हैं और रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं आपका बीपी एट होम इटसेल्फ। दोस्तों काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर एक बार बीपी का टैबलेट शुरू कर देते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बीपी कंट्रोल में आ जाता है तो बहुत बारीक, बल्कि काफी ऐसे पेशेंट हैं जिनका ब्लड प्रेशर का गोलियां बंद करनी पड़ती हैं। देखो दोस्तों बेसिक चीज मैंने आपको बताया कि हमें 120 तक आपको सिस्टोलिक लाना है एंड डायस्टोलिक 80 तक। अगर आपका 120 के नीचे आ जाता है, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रहे हो, अच्छे से एक्सरसाइज मेडिटेशन कर रहे हो, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो, और अगर आपका बीपी टैबलेट लेने के बाद 120 के नीचे आ रहा है तो बट ऑब्वियसली आपका डोज कम करना पड़ेगा और हो सकता है कुछ दिनों में डोज बंद भी हो जाएगा, और ये होता है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल भी ना रखें कि अगर एक बार आपने टैबलेट शुरू किया तो आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी बातें थी ब्लड प्रेशर के बारे में। आई थिंक आपको कुछ यूजफुल लगा होगा ये वीडियो, अगर आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके और वो अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कर सके। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।